नेक्स्ट पार्ट है सर्विक्स। सर्विक्स कैसा पार्ट है? नैरोअर लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस। यूट्रस का जो लोअर सबसे एंड वाला जो पार्ट है, नैरोअर काफ़ी नैरो वाला पार्ट है, उसको हम बोलते हैं क्या, सर्विक्स पार्ट बोलते हैं। ओके, ये कनेक्ट करता है किसको, वजाइना को। वजाइना को यूट्रस से कनेक्ट करता है ये वाला पार्ट, नैरोअर पार्ट। वजाइना पार्ट क्या है नेक्स्ट पार्ट? वजाइना, वजाइना ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। स्पर्म डिस्चार्ज अकर हेयर। यहाँ पे मेल गैमेट जो स्पर्म होते हैं वो डिस्चार्ज यहीं पर होते हैं। एक्ट एज बर्थ केनाल। और ये बर्थ ट्यूब, बेबी जो बर्थ बॉडी से, फीमेल की बॉडी से, यूट्रस से जो बाहर होता है, इसी केनाल के थ्रू, इसी ट्यूब के थ्रू बाहर होता है, वजाइना के थ्रू ही बाहर होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्ट एज अ बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल भी इसे बोलते हैं। आपको ये फिगर में दोनों पार्ट यहाँ पे शो कर रखे हैं, ये वजाइनल पार्ट, वजाइना पार्ट, और यह सर्विक्स पार्ट। ओके, बात करते हैं फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। एक्सटर्नल जेनिटेलिया कौन कौन से पार्ट होते हैं? ओके, एंटायर सेट ऑफ फीमेल जेनिटियल ऑर्गन इज टर्म एज वुल्वा। एक्सटर्नल पार्ट, जो भी एक्सटर्नल पार्ट में जितने भी ऑर्गन आ रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वुल्वा बोलते हैं, सेट, एंटायर सेट को। ओके, फीमेल में पार्ट ऑफ वजाइनल ओपनिंग। अब बात करते हैं वजाइनल ओपनिंग के जो पार्ट है, जो वुल्वा हम जो बोल रहे हैं, वो कौन कौन से पार्ट से मिलकर बनता है। ओके, फर्स्ट है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा कौन सा पार्ट है? आउटर लेयर ऑफ स्किन एंड फैटी टिश्यू। स्किन पार्ट से और फैटी टिश्यू पार्ट से ही ये मेडअप हुआ रहता है, आपको दिखा होगा फिगर में बना हुआ रहता है, और कवर्ड होता है, कवर्ड विथ प्यूबिक हेयर। किससे कवर्ड होता है? प्यूबिक हेयर से कवर होता है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है इसका लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा कौन सा पार्ट है? इनर फोल्ड ऑफ स्किन। इनर पार्ट है जहाँ पे स्किन का फोल्ड हुए रहता है, फिगर में आपको शो हो रखा है। कैन ग्रो, ये ग्रो करते रहता है, ग्रो करता है चेंज के एज के अकॉर्डिंग, एंड चेंज कलर विथ मेच्योरिटी। और जो इसका कलर जो होता है वो चेंज होते रहता है किसके अकॉर्डिंग, उसकी मेच्योरिटी के अकॉर्डिंग, क्या वो मेच्योर होती है फीमेल उसके अकॉर्डिंग उसका कलर चेंज होते रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा पार्ट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हाइमन। हाइमन क्या है? मेम्ब्रेनस फ्लैप, एक मेम्ब्रेन का एक फ्लैप है, पर्दा टाइप का है। ओके, पार्शली कवर द वजाइनल ओपनिंग। और ये क्या करता है, कवर करे रहता है वजाइनल ओपनिंग को, कवर करे रहता है, आपको फिगर में यहाँ पे शो हो रखा है। ओके, फ्लैप लाइक है। नेक्स्ट है क्लिटोरियस। क्लिटोरियस क्या है? स्मॉल फ्लैप ऑफ टिश्यू। स्मॉल एक फ्लैप है, एक कह सकते हैं पर्दे, इस छोटा सा पर्दे की तरह है, टिश्यू का बना हुआ है। लोकेटेड एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेविया माइनोरा। कहाँ पे लोकेटेड होता है? अपर जंक्शन ऑफ टू लेविया माइनोरा के अपर पार्ट पे, वहाँ पे लोकेटेड होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, क्लिटोरिस। ओके, नेक्स्ट है मेन सोर्स ऑफ सेंसेशन। ये क्या होता है? क्लिटोरिस ही मेन सेंसेशन, मेन सोर्स होता है किसका, सेंसेशन का, किसमें, फीमेल में। ओके, ये वजाइनल जो पार्ट के क्या थे, ओपनिंग के पार्ट थे, वजाइनल ओपनिंग के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट थे, जिनको यहाँ पे बाय फिगर के थ्रू आपको समझाया। अब बात करते हैं ग्लैंड इन फीमेल्स। सेक्सुअल ग्लैंड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ओके, तो मेमरी ग्लैंड जो होती है वो फीमेल की बॉडी में हमें देखने को मिलती है। अब ये मेमरी ग्लैंड होती क्या है, क्या इसका फंक्शन होता है, और कहाँ पे लोकेटेड होती है। ओके, इसके स्ट्रक्चर के बारे में ये हम कम्प्लीटली इसमें डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं मेमरी ग्लैंड के बारे में। लोकेटेड इन द फीमेल ब्रेस्ट। ओके, फीमेल के ब्रेस्ट पे ये लोकेटेड होती है। एग्जिस्ट इन पेयर, पेयर में होती है। प्रोड्यूस मिल्क ओनली आफ्टर चाइल्ड बर्थ। जब प्रेगनेंसी के बाद, जब बेबी बर्थ ले लेता है फीमेल की बॉडी से बाहर होता है और एक यंग वन होता है, उसके बाद जो ब्रेस्ट होती हैं वहाँ से मिल्क का प्रोडक्शन होने लगता है। ओके, कंपोज्ड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट। ये किससे बना हुआ है, ये जो मेमरी ग्लैंड है वो किससे बनी हुई है, ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट मॉलिक्यूल से बनी हुई है, आपको ये फिगर में यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, ये है एक ब्रेस्ट का, आपको सेक्शन काट के दिखा रखा है कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, तो अब बात करते हैं ये ग्लैंडुलर टिश्यू की। ओके, ग्लैंड फैट मॉलिक्यूल आप जानते हो, ग्लैंडुलर टिश्यू क्या होते हैं। ओके, ये किन किन चीज़ों से बने हुए होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू के। मेमरी लोब्यूल्स, फर्स्ट पार्ट मेमरी लोब्यूल्स, आपको फिगर में यहाँ पे दिख रहा होगा कि मेमरी लोब्यूल्स है। ओके, एल्वोलाई, एल्वोलस भी बोलते हैं, एल्वोलाई एल्वोलस है क्या, क्लस्टर ऑफ सेल्स इनसाइड मेमरी लोब्यूल्स। ये मेमरी लोब्यूल्स के अंदर छोटे छोटे क्लस्टर होते हैं, सेल्स होते हैं जो एल्वियोलस बनाते हैं। ओके,
बेसिक कंपोनेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ये बेसिक यूनिट है, कंपोनेंट है किसके, मेमोरी ग्लैंड के, ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स। और ये कहाँ पे ओपन होते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स के अंदर ओपन होते हैं, वहाँ पे ओपन होते हैं। ये है आपका मेमोरी ट्यूब्यूल्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फिगर पे। ओके, नेक्स्ट है मेमोरी डक्ट, आगे जो पार्ट है उसका मेमोरी डक्ट है। फिर है मेमोरी एम्पुला रीजन, और लास्ट में है लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट और एम्पुला रीजन आपको फिगर में ये यहाँ पे सारे पार्ट शो हो रखे हैं वन बाय वन। लास्ट में आपका निपल पार्ट। ओके, तो ये पूरा होल स्ट्रक्चर है किसका, मेमोरी ग्लैंड का। और यहाँ पे ये टिश्यू आपको दिखा रखे हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू के पार्ट हैं आपको यहाँ पे शो करके। ये सारे टिश्यू फंक्शन कब करते हैं, कब इनमें से मिल्क का प्रोडक्शन होता है, आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ओके, जब चाइल्ड का बर्थ हो जाता है तब इन टिश्यू से मिल्क का प्रोडक्शन होने लगता है। ओके, तो ये था फीमेल में मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में।